मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा 614.53 करोड़ रुपए से सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्राम जामोदी में किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि अंतर की राशि 30.52 करोड़ का स्पेशल पैकेज प्रदान किए जाने की स्वीकृति। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा निर्मित करने एवं नवीन पदों के सृजन का निर्णय। चिकित्सा महाविद्यालय सागर में जिला चिकित्सालय को हस्तांतरित करने की स्वीकृति समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक के पहले अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 18 व 19 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उज्जैन व इंदौर पधार रही हैं। राष्ट्रपति जी उज्जैन इंदौर 6 लेन रोड का भूमि पूजन करने के साथ ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कार्यक्रम में शामिल होंगी। कैबिनेट की बैठक के पहले अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी मंत्रीगण अपने अपने प्रभार के जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हों तथा स्थानीय स्तर पर परिस्थिति अनुसार नवाचार करते हुए अभियान को प्रभावी बनाएं। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को ही जन औषधि केंद्रों का भी शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिलों की भौगोलिक सीमाओं की विसंगतियों और उनके कारण जन सामान्य को आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मंत्रीगण अपने अपने क्षेत्र तथा प्रभार के जिलों की कठिनाइयों को चिन्हित करें तथा इस संबंध में लोगों के सुझाव भी प्राप्त करें। जन सामान्य की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव परिसीमन आयोग के अध्यक्ष पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव को भेजे जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा एयरपोर्ट को हवाई सेवा का लाइसेंस प्राप्त होने पर बधाई दी तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1978 के बाद प्रदेश को एक नया एयरपोर्ट मिला है। हमारा प्रयास होगा कि रीवा एयरपोर्ट से एयर कार्गो की सुविधा भी आरंभ हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में सिंहस्थ 2028 के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति के सदस्यों के साथ सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सिंहस्थ सिर्फ उज्जैन का नहीं है, ये उज्जैन और इंदौर दोनों संभागों का है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओंकारेश्वर और महेश्वर भी आते हैं। यहाँ आने वाले यात्री संपूर्ण अंचल का भ्रमण करते हैं, इसके अनुसार ही आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन व एकत्रीकरण एवं सांची दुग्ध संघ के कार्यों की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशभाव ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह 2024 में सहभागिता की। इस अवसर पर विद्यार्थियों को डिजिटल डिग्री एवं मार्कशीट दी गई, साथ ही मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान कर उनको सम्मानित किया गया। सभी मेधावी विद्यार्थियों शोधार्थियों को मुख्यमंत्री जी ने हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करते हुए कहा कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भविष्य में सभी पात्र छात्र छात्राओं को निशुल्क उपाधि प्रदान करेगा। इस अवसर पर योग पर आधारित पुस्तिका एवं दीक्षांत समारोह से जुड़ी स्मारिका का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केदारनाथ यात्रा के दौरान भूस्खलन में धार जिले के 3 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।